बाबा का कार्य पिछले 87 वर्षों से चल रहा है, 36 से अगर देखें तो 86-87 वर्षों से बाबा का कार्य चल रहा है। ये संगम युग बहुत छोटा सा युग है, लीप युग हम बाबा कहते हैं, और युगों की भेंट में, जिस युग में सारा कल्प परिवर्तित होता है, विश्व परिवर्तित होता है, चक्र बदलता है, वृक्ष कल्प वृक्ष बदलता है, और बाप आकर के कैसे नया झाड़ का की कलम लगाते हैं, और हम सब उस नए वृक्ष की कलम हैं। तो शिव बाबा ने ब्रह्मा का आधार लिया, हम सब ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चों को रचा, और बाबा ने कल भी मुरली में कहा कि यह छोटा सा परिवार भगवान ने बनाया है संगम पर, जिसमें बस दादा पिता और उनके बच्चे, सो दादा बच्चा और उनके बच्चे, एक ही सखी लदा बच्चा ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का जो दादा है, और हम सब उनके बच्चे, बस और कोई जनरेशन नहीं, और कोई पीढ़ी नहीं, इसके बाद कोई पीढ़ी नहीं, बस। तो दादा पिता और बच्चे, या कहेंगे पोतरे, तो हम सब वो दादा के पोतरे हैं, शिव बाबा से स्वर्ग का अधिकार लेने वाले, मुक्ति जीवन मुक्ति की प्राप्ति करने वाले। बाबा हमारे द्वारा ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, और सबसे पहले हम सबको यही वरदान दिया। जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ, सबसे पहला वरदान यही दिया, योगी भव पवित्र भव, क्योंकि योग और पवित्रता से ही स्वर्ग की स्थापना होती है, और बच्चों को पवित्र और योगी बनाने का वरदान दिया। तो इसलिए जो भी बाबा के बच्चे बने, हम देख रहे हैं कैसे दिन दुगनी रात चौगुनी गति से आगे बढ़ते जा रहे रोज़ कोई न कोई वरदान भगवान से हमें मिलता है, रोज़ कोई न कोई टाइटल हम बच्चों को बाबा की मुरली से मिलता है। और अगर हम एक एक जो वरदान बाबा का है, एक एक टाइटल जो बाबा ने दिया है, उन सब को अगर हम सचमुच मनन चिंतन करके उसका स्वरूप बने, तो वो दूर दिन दूर नहीं जब हम सचमुच संपन्न बन के, संपूर्ण बन के इस कार्य को, जो सत्युगी दुनिया का कार्य बाबा ने हम बच्चों से शुरू किया, वो संपन्न होगा और हम सब घर जाएंगे और नई दुनिया में आएंगे। और बाबा ने एक बहुत बड़ा हमें वरदान और भी दिया, जैसे ही हम बच्चे बने तो बाबा ने क्या वरदान दिया, विजयी भव, विजयी भव। तो जब विजयी भव का वरदान मिला, तो उस वरदान में कितनी गहराई छिपी हुई है, क्योंकि विजय किसके साथ जुड़ा हुआ है, तीन शब्दों के साथ जुड़ा हुआ है, सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। दूसरा, निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय के साथ विजय जुड़ी हुई है। और तीसरा है प्रीत बुद्धि विजयंती। तो सत्यता, निश्चय और प्रीत, ये तीन ऐसे विशेष गुण हैं जिसके आधार से हमारी विजय निश्चित है। सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है।
तो भगवान ने सबसे पहले आकर के हमें सत्य आत्मा का परिचय दिया, सत्य परमात्मा का परिचय दिया। और यह सृष्टि चक्र भी कैसे सत्य है, अविनाशी है, उसका परिचय दिया। क्योंकि सत्य शब्द का बहुत गहरा अर्थ है, सत्य माना अविनाशी, सत्य माना नित्य, सत्य माना अपरिवर्तनशील। सत्य की बहुत बड़ी परिभाषा है, दुनिया में भी यही कहते हैं, मैं सच बोलता हूँ, सच बोलता हूँ। तो सच, सत्यता की क्या परिभाषा है? अगर व्यक्ति झूठ बोलता है तो वो अपने स्टेटमेंट्स बदलता रहेगा आज, क्योंकि एक सत्य को छिपाने के लिए मनुष्य कितने झूठ बोलता है। कोई व्यक्ति फलानी जगह पर गया मानो, और उसके लिए कहा तुम वहाँ गए थे, और वो कहता है नहीं मैं नहीं गया था, झूठ बोल दिया, मैं वो गया था पर बोल दिया नहीं गया था। अच्छा तब तुम कहाँ थे? फिर वो दूसरा झूठ बोलेगा, मैं फलानी जगह था। अच्छा तुम वहाँ क्या कर रहे थे? फिर वो तीसरा झूठ बोलेगा। क्यों वहाँ गए थे? तो चौथा झूठ बोलेगा। हाँ तो कितने झूठ बोलने पड़ेंगे? और वो झूठ को याद करना पड़ता है कि मैंने कौन सा झूठ बोला, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बात उनको पूछी जाएगी वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि बाकी तो झूठ ही था ना। और जो सत्यवादी होता है उसको अपनी स्टेटमेंट्स, वाक्य बदलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, जो क्योंकि जो है वो है, जो है जैसा है वैसा ही है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं आत्मा सत्य है, आत्मा का रूप वही ज्योति स्वरूप है। तो इसलिए सबसे पहले बाबा ने आत्मा का ज्ञान दिया, यज्ञ की शुरुआत उसी से हुई, तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो। ब्रह्मा बाबा को भी यही परिचय दिया, अपने को आत्मा समझो, सबको आत्मा देखो। आज तक कोई ऐसे नहीं कहा कहता है, किसी ने आज तक ऐसे नहीं कहा आत्मा है आत्मा, ये तो बता देते, लेकिन अपने आप को आत्मा समझो, दूसरे को आत्मा देखो, ये केवल शिव बाबा ही कह सकता है, क्योंकि खुद सदा आत्मा अभिमानी है। और ब्रह्मा बाबा ने, और जो भी उस समय दादियाँ समर्पित हुई, उस समय इतना ज्ञान तो था ही नहीं, लेकिन उस समय आत्मा का ज्ञान कूट कूट कर सब में भरा हुआ था, और यही दृष्टि रखते थे सब आत्माएं। ब्रह्मा बाबा ने भी यही पुरुषार्थ किया, आत्माएं। तो आत्मा है तो बाबा की लौकिक युगल थी, बाबा की लौकिक बहू थी, बेटे थे, सब थे, पूरा परिवार था, लेकिन शिव बाबा ने सबको कहा तुम आत्माएं। तो ब्रह्मा बाबा ने जो अभ्यास किया उनकी लौकिक युगल को भी आत्मा देखे, तो उनकी युगल को भी बुद्धि में आया, यशोदा उनका नाम था, कि ब्रह्मा बाबा हाँ पति नहीं है लेकिन ये कौन है, आत्मा है। ब्रह्मा बाबा भी पुरुषार्थ करके यही अनुभव किया, यशोदा पत्नी नहीं है लेकिन क्या है, आत्मा है। तो बाबा दीवारों पर लिखते थे, क्योंकि यशोदा बाबा के अंदर तो परिवर्तन सहज आया, लेकिन यशोदा में भी परिवर्तन आए, क्योंकि वो तो पति के आगे घूंघट निकालती थी, उन दिनों में वही रिवाज था। और बाबा ने सबका घूंघट उतरवा दिया, सब माताएं आती थी घूंघट लगा करके, तो उस समय तो बहुत रिवाज था, तो सबका बाबा ने घूंघट उतरवा दिया। और यशोदा को भी कहा तुम आत्मा हो, आत्मा देखो इनको भी। तो बाबा दीवारों पर लिखते थे यशोदा आत्मा है। बाबा की लौकिक बहू जो थी वो भी घूंघट निकालती थी, ससुर के आगे तो निकालेगी, लेकिन बाबा ने उनका भी उतरवा दिया। बहुत सुंदर थी दादी, ब्रिजिंद्रा दादी थी बाबा की लौकिक बहू, बिल्कुल बाबा के कदमों पर चलने वाली। बाबा का उसमें बहुत मोह था, बिजनेस में
कैसे बाबा की इतनी मददगार थी, क्योंकि सुंदर थे और बाबा बिजनेसमैन थे, हीरे जवाहरातों के जेवर बेचते थे, तो बाबा उनको ले जाते थे राजाओं के पास, क्योंकि रानियां तो दुकान में नहीं जाएगी जेवर खरीदने, हीरे जवाहरातों के जेवर, तो बाबा को राजा लोग बुलाते थे। तो बाबा ब्रिजेंद्रा दादी, जिनका नाम राधे था, क्या नाम था ब्रिजेंद्रा दादी का नाम, राधे ही था शायद, हाँ राधिका, हाँ राधिका था, तो राधे तो मम्मा का नाम था पर राधिका उनको कहते थे। तो यशोदा आत्मा है, यशोदा आत्मा है, हाँ अरे शो, वो तो गुलजार दादी का नाम, दादी ब्रिज इंद्रा का नाम राधिका। तो क्या है, बाबा उनको ले जाते थे और वो रानियों से मिलती थी और बहुत सुंदर लगती थी, तो वो जेवर वेवर पहना करके ले जाते थे। तो वो रानी कहती थी मुझे ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही हार चाहिए, ऐसा ही लॉकेट चाहिए, ऐसा ही ये बाजूबंद चाहिए। तो बाबा पहले से ही वैसा ही तैयार करके दूसरा सेट ले जाते थे, ताकि उनको यही पसंद आएगा जो पहना हुआ है तो बाबा सहज बेच देंगे। यानी जैसे बाबा के साथ वो जाती थी तो बहुत मोह था, बाबा का तो था ही लेकिन इनका भी बहुत मोह था, पर इनको भी आत्मा देखना है, ये बाबा ने प्रैक्टिस की। तो बाबा दीवारों पर लिखते थे यशोदा आत्मा, राधिका आत्मा, ताकि राधिका भी पढ़े और अपने को आत्मा समझे और बाबा को भी आत्मा देखे। तो ये सत्यता का परिचय सबसे पहले दिया, फिर परमात्मा का परिचय दिया कैसे साक्षात्कार हुआ। तो इसीलिए बाबा ने हमें वो सत्यता की पहचान शुरू में दी, हम सब अविनाशी अजर अमर आत्माएं हैं, सबको उसी रूप से देखो। बाबा यहाँ तक कहते थे कि सबको भ्रकुटि में चमकता हुआ सितारा देखो और कहीं नहीं देखो शरीर में, क्योंकि यहाँ से नीचे देखते जाएंगे परिवर्तन है, हर शरीर का अपना अपना रूप रंग है, हाँ किसकी आँखें कैसी होगी, किसकी कैसे होगी, नाक कैसा होगा, हाँ सब अलग अलग है, होंठ कैसे होंगे, फिर और नीचे आओ और नीचे, लेकिन ये मस्तक तो सबका कैसा है, सबका एक जैसा है, एक जैसा है ना, ये तो एकदम ललाट जो है वो एकदम सबका एक जैसा है, तो इसीलिए उसी दृष्टि से सबको देखो। तो आत्मा की पहचान, परमात्मा की पहचान, और ये सृष्टि चक्र भी सत्य है या अविनाशी है, बस इस सत्य को समझ करके आत्मा अपने आप को शक्तिशाली बना सकती है। तो सत्यमेव जयते, सत्य की जीत है। कितने विघ्न आए बाबा के सामने, क्या क्या परीक्षाएं आई, कितनी क्रांतियां हो गई उस समय यज्ञ की शुरू में। क्रांति कौन सी हुई, सबसे पहले साक्षात्कारों की क्रांति, लोगों ने क्या क्या कहा कि या तो जादू है, या जो जाता उनको कृष्ण के दर्शन होते हैं, ये तो जादूगर है, यहाँ तक भी कह दिया। पर ब्रह्मा बाबा बिल्कुल विचलित नहीं हुए, क्योंकि सत्य की जीत है। असत्य की नाव तो हिलेगी और फिर डूबेगी, पर सत्य की नाव हिलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। कितनी परीक्षाएं आई, कोर्ट में केस भी हुआ, एंटी पार्टी बनी, यहाँ तक कितना विरोध हुआ कि हाँ ये दादा लेखराज अपने आप को क्या समझता है, समझता है मैं कृष्ण हूँ, क्योंकि बाबा से साक्षात्कार होता था, मैं कृष्ण हूँ और ये मेरी जो 300-400 रानियाँ मिली है मुझे, तो 16,108 रानियाँ चाहिए, दिखाते हैं ना भागवत में श्री कृष्ण की पटरानियाँ दिखाते हैं, रानियाँ दिखाते हैं। तो इतने कलंक लगे बाबा पर, लेकिन बाबा बिल्कुल अडिग रहे, क्योंकि वो सत्य पर थे। तो सत्यता की जीत अवश्य होती है, झूठ को तो पैर ही नहीं होते हैं, ऐसे ही कहते हैं ना। तो बाबा के पास क्योंकि वो सत्यता की शक्ति थी, इसलिए देखो आज विजय हुई कि नहीं, ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय सारे विश्व में
सेवाएं कर रहा है। फिर उसके बाद उस सत्यता पर निश्चय, निश्चय, क्योंकि निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय बाबा निश्चय पर कितना हम बच्चों की को सुनाते रहे, चार प्रकार का निश्चय, अगर ये चार प्रकार का निश्चय होगा तो विजय निश्चित है। कौन सा निश्चय? पहले खुद में निश्चय, तो मैं कौन हूँ ये निश्चय, बाबा ने मुझे कितना ऊंचा बनाया है, जो टाइटल बाबा ने दिए उसका वो स्वमान, उस स्वमान में रहना, इसमें निश्चय हो, तो जब ये निश्चय होगा खुद में तब तो हम पुरुषार्थ भी करेंगे, नहीं तो निराशा आएगी, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरे में तो कोई शक्ति नहीं है, हाँ मैं तो कोई लायक ही नहीं हूँ। और बाबा ने क्या कहा, तुम तो होली हंस हो, तुम तो विजयी रत्न हो, तुम तो विश्व कल्याणकारी हो। तो ये बाबा ने जो हम बच्चों को वरदान दिए या टाइटल दिए और ये निश्चय बिठाया कि तुम वो हो, उस निश्चय से शक्ति आई आत्मा को, मैं हूँ। बाबा जो वरदान देते हैं उसमें इतना निश्चय हो, भव माना वो बनो तो है लेकिन वो हो। तो जब हम ये अनुभव करते हैं मैं वो हूँ, तो देखो हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आता है। मैं अपना अनुभव सुनाती हूँ ना, बहन जी ने जैसे परिचय दिया तो बाबा ने मुझे ये वरदान दिया कि ज्ञान की वीणा बजाने वाली सरस्वती आपकी जिबान पर है, ये बाबा ने मुझे वरदान दिया था। तो जैसे बाबा ने ये मुझे वरदान दिया मैं तो सुनती रही, ज्ञान की वीणा बजाने वाली सरस्वती आपकी जिबान पर है, तो मैंने सबसे पहला संकल्प ये, हाँ बिल्कुल वहाँ ये ओम शांति भवन में था या यहाँ था ज्ञान मेडिटेशन हॉल में, शायद ओम शांति भवन में ही था। तो जैसे ये वरदान मुझे मिला तो मैं तो बाबा को ही देखती रह गई, कभी सोचा नहीं था, क्योंकि एक ग्रुप मैं हैदराबाद गई थी तो हैदराबाद से ग्रुप को लेकर के आई, नागार्जुना फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन के सारे एग्जीक्यूटिव्स थे, उनकी शिविर कराई थी और वो जैसे बाबा को अनुभव कर रहे थे तो बाबा से मिलने के लिए वो आए मधुबन में, तो वो इंग्लिश ही जानते थे, तो मैं ट्रांसलेशन कर रही थी एक एक का, क्योंकि बाबा पर्सनल मिलते थे। तो जब लास्ट में मेरा टर्न आया तो मुझे लगा बाबा मुझे तो खाली टोली देंगे, लेकिन बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा और बहुत प्यार से दृष्टि दी और ये वरदान हमें दिया। तो जब ये वरदान हमें मिला उसके बाद मेरा संकल्प चलने लगा, बहुत संकल्प चला, बाबा ने ऐसा वरदान दे दिया, अब उस वरदान का क्या कारण होगा, क्या बाबा मुझसे करवाना चाहते हैं, ताकि वो बाबा मुझसे वो करवाना चाहते उसके पहले वरदान दे दिया, तो क्या करवाना चाहते हैं, तो वो कैसे पता चले। लेकिन हमने अपने में अंदर में संकल्प किया कि बाबा मुझसे जो भी सेवा करवाए मैं तैयार हूँ, लेकिन अगर ये मुझे वरदान दिया है तो पहला कर्तव्य मेरा क्या है कि अगर इस जुबान पर सरस्वती का वास है तो ज्ञान के सिवाय इस मुख से और कुछ निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि सरस्वती माना क्या, ज्ञान की देवी। तो दुनिया में तो क्या क्या मुख से बोल लेते हैं, अपशब्द बोल देंगे, अज्ञान बोल देंगे, पर चिंतन, पर ग्लानी, पर निंदा, न जाने क्या क्या मुख से शब्द निकलते हैं, लेकिन इस मुख से ज्ञान के सिवा और कुछ निकलना नहीं चाहिए, ये मैंने पहले अपने अंदर में संकल्प किया। और दूसरा संकल्प ये किया, जो बाबा सेवा देंगे मैं तैयार हूँ। और सचमुच उसके थोड़े दिनों के बाद ही टीवी का निमंत्रण मिला, टेलीविज़न का, उसके पहले जो भी हमारे प्रोग्राम्स होते थे टीवी पर कोई प्रोग्राम नहीं आता था, अपना तो कोई चैनल था ही नहीं, लेकिन दूरदर्शन एक ही था, प्राइवेट चैनल्स तो थे ही नहीं,
तो दूरदर्शन में भी ब्रह्मा कुमारियों को कभी प्रोग्राम नहीं देते थे, लेकिन ये प्राइवेट चैनल शुरू हुए 92-93 का ही वो समय था, और सबसे पहला चैनल था प्राइवेट चैनल जी टीवी, और उन्होंने ही निमंत्रण दिया ब्रह्मा कुमारियों को कि हम पहले आध्यात्मिक प्रवचन सवेरे सवेरे रखना चाहते हैं, और ब्रह्मा कुमारियों की तरफ से ये प्रवचन मिले। तो दादी जी के पास ये समाचार गया तो दादी जी ने मुझे बुलाया और कहा कि तुम टीवी के लिए लेक्चर दोगे, देने जाओगे, क्योंकि बॉम्बे में जाना होता है, मुंबई में, मैं तो मधुबन में रहती थी। तो मैंने कहा दादी जैसे आप कहेंगे, आज्ञाकारी। तो दादी ने मुझे मुंबई भेजा और कैसे टीवी चैनल के लिए सबसे पहला प्रवचन दिया, और उसके बाद तो वो बढ़ता गया। तो ये भी एक वरदान था, क्योंकि बाबा ने हमें ये टाइटल जो दिया उसका पहला वो स्वरूप मेरे सामने आया जो टीवी में निमंत्रण मिले। तो जो इसलिए मैंने सोचा बाबा ने मुझे ये वरदान दिया, बाबा को मुझे मुझसे द्वार मुझे कुछ बड़ा कार्य मुझसे करवाना होगा। तो ये पहली बात थी। तो इसलिए निश्चय में विजय है, मैं कर सकती हूँ, क्यों नहीं कर सकती हूँ, होगा, मेरे से ज़रूर होगा, भगवान ने ये वरदान दिया है। तो देखो कितनी सफलता मिली। तो खुद में निश्चय, बाबा में निश्चय, कौन मुझे, किसने दिया वरदान, कौन मुझे सुना रहा है ये सब। जैसे गीता में भी आता है अर्जुन को भगवान ने कितनी बातें कही, लेकिन वो संशय में था, कैसे करूं, कैसे करूं, कैसे होगा, कितने सारे प्रश्न पूछे। गीता के अंदर जो संवाद आता है, प्रश्न ही प्रश्न, संशय था उसको। तो सबसे पहले भगवान ने उनको क्या कहा, तुम कौन हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम विजयी हो, तुम कायर मत बनो, कितनी बातें उसको कही, कौन हो तुम। लेकिन फिर भी उसको निश्चय नहीं बैठा कि मैं कुछ कर सकता हूँ। लेकिन जब भगवान ने अपना विराट रूप का साक्षात्कार कराया तब उसको निश्चय बैठा, ये मुझे कौन बोल रहा है, भगवान बोल रहा है, वो तो मिक्स कर दिया, लेकिन ये भगवान मुझे कह रहा है। इसलिए उसी समय घुटने टेके और कहा कि नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, मेरा मोह अब नष्ट हुआ है, मुझे स्मृति आ गई है कि मुझे क्या करना है। तो दूसरा निश्चय कौन सा, किसमें, भगवान में निश्चय। तो भगवान मुझे ये कह रहा है, मेरे में निश्चय रख करके मुझे ये कह रहा है कि हाँ तुम कर सकते हो। तो संशय मत उठाओ, पता नहीं बाबा कहते तो हैं, पता नहीं मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। एक छोटा सा मिसाल देती हूँ, एक बाबा तो पर्सनल मिलते थे, तो एक भाई बाबा के सामने आया, बाबा ने उनसे पूछा अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिवान समझते हो, तो बाबा को देखता रह गया। फिर बाबा ने दोबारा पूछा अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिवान समझते हो, उसने कहा नहीं सीधा कह दिया नहीं। अब बाबा ने उनसे कैसे कहलवाया, फिर बाबा ने पूछा अच्छा आप कौन हो, तो उसने कहा मैं आत्मा हूँ। अच्छा आप आत्मा हो तो किसके बच्चे हो, बोला बाबा का बच्चा हूँ, वो तो चलो निश्चय था। अच्छा बाबा क्या है, मेरा पिता है। अच्छा बाबा सर्वशक्तिवान है, हाँ है। तो बाबा सर्वशक्तिवान है तो बच्चा क्या होगा, हाँ क्या होगा, वही सिंपल बात है, मास्टर, जो पिता है बच्चा उसका मास्टर। तो आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, अभी बताओ हो, कहता हाँ फिर कह दिया हाँ। अब शुरू में नहीं कहा क्योंकि खुद में संशय था, निश्चय नहीं था। तो जो भगवान हमें कहते हैं वो भगवान को निश्चय है कि मैं कर सकता हूँ, और हमको निश्चय नहीं है। कई बार हमें कोई, चलो मेरी ग्लानि करता है या कोई निंदा करता है, कोई क्या करता है, लेकिन हम सोचते हैं चलो ये करता है, इनकी नज़रों में कि कुछ भी मेरे को समझते होंगे कोई बात नहीं, लेकिन भगवान की नज़रों में मैं कौन हूँ, भगवान की नज़रों में तो मैं बहुत ऊँच हूँ।
जो टाइटल बाबा हमें देते हैं ये हमको उतना ऊंच समझ करके देते हैं ना, तो जब भगवान की नजरों में मैं कुछ हूं तो ये दुनिया वाले या जो दूसरे कुछ भी कहे इसमें क्या है, मैं तो समझ रहा हूं ना मैं कौन हूं, दूसरे भले कुछ भी कहे। हम लोगों को कई बार होता है ना थोड़ा दुख होता है, कोई मुझे मेरी ग्लानी करे, मेरी निंदा करे, हाँ मुझे कुछ बुरा भला कहे, इसने मुझे ऐसे क्यों कहा। अरे उसकी नज़रों में कुछ भी होगा पर भगवान की नज़रों में मैं क्या हूँ, अगर हम वो देखते हैं तो हम उन्होंने उसने कहा वो देखेंगे क्या, हम क्या देखेंगे भगवान ने मुझे क्या कहा है। तो उसने जो भी कहा वो नज़रअंदाज करेंगे, इग्नोर करेंगे। फिर बाबा कहते हैं हाँ ड्रामा में निश्चय, इतना पक्का निश्चय हो, क्योंकि ड्रामा में निश्चय होना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अचल अडोल स्थिर एक रस रहने के लिए ड्रामा में निश्चय बहुत ज़रूरी है। लेकिन ड्रामा में निश्चय रखने के लिए उसको ड्रामा को उल्टा नहीं चलाना है, उल्टा चलाएंगे तो डामाडोल होगा निश्चय, उल्टा कैसे चलाएंगे, अच्छा ड्रामा में जो होगा देख लेंगे कर लेंगे। हमको ड्रामा बनाना है, बनी बनाई बन रही ये नहीं भूले हम, हाँ ड्रामा में नहीं होगा तो नहीं करेंगे ऐसे थोड़ी है, आप करो तो ड्रामा में नोंद करो, ये नहीं कल्प पहले आप पहले कल्प में अगर विजयी बना था तो अभी विजयी बनेंगे, नहीं मैं कल्प कल्प का विजयी हूँ ये ड्रामा में अपने आप अपनी नोंद नोंद लो। तो ड्रामा को सीधे रूप से लो, जैसे चाकू होता है ना, अब चाकू के दो तरफ होते हैं, अब चाकू को अगर आप उल्टा पकड़ेंगे तो क्या होगा, चीज़ को काटने की बजाय आपकी उंगली कट जाएगी है ना, चीज़ तो कटेगी नहीं, आपको कोई चीज़ काटनी है आपने उल्टा पकड़ लिया तो वो जो धार है वो अपने तरफ कर लिया तो क्या होगा, आपकी उंगली कट गई, क्योंकि आपको पकड़ना नहीं आया चाकू ठीक ढंग से पकड़ना नहीं आया। तो ड्रामा को ठीक ढंग से कैसे पकड़ें, ड्रामा को समझने के लिए तीन बातें बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बात है कि ड्रामा है ही कल्याणकारी, ड्रामा में कुछ भी अकल्याणकारी है ही नहीं ये निश्चय चाहिए। इसीलिए जो कुछ भी होता है उसमें कोई ना कोई कल्याण छिपा हुआ है, जो उस समय हमें पता नहीं चलता है लेकिन कल्याण छिपा हुआ है। और जब ये बुद्धि में आता है कल्याण छिपा हुआ है तो हमें किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं उठेगा, किसी भी प्रकार का आश्चर्य नहीं उठेगा, ऐसे कैसे हो गया, इसको तो ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये क्यों हुआ, हाँ ना कोई प्रश्न उठेगा ना आश्चर्य होगा। फिर दूसरा ड्रामा हमें क्या शिक्षा देता है कि जो कुछ भी होता है कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। तो जब ये निश्चय है कि कुछ भी नया नहीं है तो फिर अगर कुछ ऐसी दुखद बात भी हुई तो वो दुख हमको नहीं लगेगा, क्योंकि नया तो है नहीं, ऐसा ही होना था, कोई नई बात तो है नहीं, चिंता भी नहीं होगी क्या होगा क्या होगा क्या होगा, वही होगा जो कल्प पहले हुआ होगा, क्या होगा क्या होगा सोचेंगे थोड़ी, हम अपना कर्तव्य करें सच्चे कर्म योगी बन करके सच्चाई के मार्ग पर चल के वो कर्म करें। फिर आगे बाबा कहते हैं बाबा पर छोड़ दो, कर्मणे वाधिका रस्ते माँ फलेशु कदाचनम, कर्म पर तुम्हारा पूर्ण अधिकार है, फल की चिंता मत करो, फल भगवान बैठा है देने वाला, वो उसको चिंता है कि मुझे अब मेरे बच्चों को फल देना है क्योंकि कर्म किया ना। तो इसीलिए जो होता है कुछ भी नया नहीं है, ये दूसरी बात। और तीसरी बात, जो कुछ भी होता है यही सही है, यही सही है,
ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा क्यों, माना ये नहीं होना चाहिए था, हम ड्रामा को करेक्ट कर रहे हैं क्या? ड्रामा को हम करेक्ट कर रहे हैं ना, इसका मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए था पर ऐसे होना चाहिए था, इसका मतलब क्या है? जैसे करेक्शन करते हैं ना, ऐसा नहीं लिखना है ये लिखना है, तो ड्रामा को हम करेक्ट करेंगे क्या? जो कुछ होता वो वही सही है, दैट इज राइट, इट कैन नेवर बी रॉन्ग। तो जब ये समझ आई कि जो कुछ हुआ यही राइट है, जो कुछ होगा उसके लिए पुरुषार्थ है हमारे सामने, क्योंकि पता नहीं ना क्या होगा, तो वो हम अच्छे से अच्छा करें, परंतु उसका परिणाम क्या होगा उसकी चिंता नहीं करें। हम कर्म को महत्व दे, फल को महत्व नहीं। इसीलिए बाबा कई बार कहते हैं दुनिया में तो फल को महत्व देते हैं, हमको कितना मिलेगा, पहले कितना मिलेगा तो मैं दूँ, मुझे मिलेगा क्या, पहले मुझे क्या मिलेगा वो सोचते हैं, फिर हम देते हैं। पर मुझे मिलेगा नहीं, मैं अच्छे से अच्छा करूं और जो मिलेगा वही सही होगा, उसमें भी संतुष्ट आत्मा। इसलिए ड्रामा पर इतना निश्चय हो, ड्रामा को भविष्य के लिए मत देखो। अच्छा ठीक है, जो होगा ड्रामा में होगा, मैं हाथ पर हाथ धर के बैठ जाऊं, हाँ ड्रामा में जो होगा वो होगा, ड्रामा में जो होगा वो होगा, वो बैठ जाओ ऐसे ही, तो पानी भी कोई नहीं देगा, पानी भी कोई नहीं देगा। पानी आपको प्यास लगी है, किसको क्या पता कि आपको प्यास लगी है, बच्चे को भी रोना पड़ता है ना, दूध माँ तब देगी ना, ऐसे कहते हैं ना, तो माँ को भी क्या पता इसको भूख लगी है नहीं, फिर कोई कहते नहीं, माँ को पहले पता चल जाता है, चलो कुछ भी आपको, लेकिन अवश्य आवश्यकता के अनुसार आप थोड़ी तो मेहनत करेंगे। चलो कोई आपको पानी लाके भी दे दे, लेकिन पीना तो आपको पड़ेगा ना, कि और कोई पिएगा आपकी जगह, वो मेहनत तो आपको करनी। कोई चलो आपके मुंह में भी डाले परंतु अंदर ले जाने के लिए आपको मेहनत करनी होगी ना अंदर। कई बच्चे होते हैं ना, उनको खाना नहीं खाना है, भूख नहीं है, पर माँ ज़बरदस्ती कहती नहीं बेटा खाओ खाओ खाओ, उसका मुंह खोल के भी उसके मुंह में डालेगी मान लो, ताकि खाए, लेकिन बच्चे को खाना नहीं है तो वो क्या मुंह में ज़बरदस्ती डाला भी तो भी क्या करेगा, हाँ फेंक देगा, थू थू करके फेंक देगा, क्योंकि खाना तो उसको खुद को पड़ेगा ना, दूसरा थोड़ी खाएगा और उसके पेट में जाएगा, उसको अपने पेट में लाने के लिए मुँह से अंदर तो ले जाना होगा। इसीलिए ड्रामा को उल्टा नहीं लेना है, करना धरना कुछ नहीं है ड्रामा में, जो होगा होगा नहीं। इसलिए ड्रामा में पुरुषार्थ को महत्व दिया गया है, पुरुषार्थ से प्रारब्ध, ऐसे नहीं जो प्रारब्ध में होगा वैसा पुरुषार्थ चलेगा, नहीं, जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा वैसी प्रारब्ध होगी, क्योंकि पता तो है नहीं ना, इसलिए ड्रामा। और चौथा फिर है निश्चय, किसमें? परिवार में। बाबा ने आज भी कहा, हाँ आज परिवार की बात क्या कही, क्या निश्चय है कि ये राजधानी स्थापन हो रही है, राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें महाराजा महारानी, राजा रानी, प्रजा शाहूकार प्रजा, गरीब प्रजा, दास दासी, दास दासी की भी दासी, वो भी यहीं बन रहे हैं, नौकर चाकर है ना, नौकर के नौकर वो चाकर कहलाते हैं नौकर चाकर। हम अमेरिका गए थे, वहाँ हफ्ते में एक ही दिन एक बहन आती थी, मेड आती थी, घर की सफाई करती थी, कपड़े धोती थी, सब कुछ एक दिन हफ्ते में। तो मैंने उनसे पूछ लिया कि आप, और वो अपनी गाड़ी में आती थी, सबको कार है अपनी, तो मैंने कहा आज आप यहाँ सारा दिन यहाँ काम कर रही हो, आपके घर में कौन काम कर रहा है? तो बोला हम दूसरे मेड को बुलाते हैं तो नौकर की भी चाकर है ना, फिर चाकर की भी चाकर, ऐसे होते हैं ना। तो सब चाहिए सतयुग की दुनिया में। अब अगर हम कहते हैं ये ऐसे क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, पर चलो वो कर रहा है तो वो अभी वो
कुछ भी कर रहा है तो उस अनुसार उसको फल मिलेगा ना, क्योंकि सब चाहिए पद। और बाबा ने आज ये भी कहा, बीज अविनाशी है, भले कोई ज्ञान में आया फिर चला भी गया, माया के वश हुआ, लेकिन फिर भी बाबा कहते त्रेता अंत में तो आएगा, आएगा ज़रूर, क्योंकि बीज ज्ञान का अविनाशी है। वो ज्ञान का बीज तो विनाशी है एक जन्म के लिए केवल, और ये ज्ञान का बीज अविनाशी है। परंतु हर एक का अपना अपना पार्ट है, तो आप अपने पार्ट को देखो बस। एक ड्रामा होता है ना, ड्रामा में एक्टर्स पार्ट बजाते हैं, तो जिस समय वो ग्रीन रूम में होते हैं तब देखना होता है, देखना होता है, क्योंकि उनको ड्रामा अपना पार्ट याद करना है, क्योंकि वो जा करके वो स्टेज पर बोलना है। तो हर एक अपना अपना पार्ट याद कर रहा है, मुझे ये बोलना है, हाँ अपना अपना पार्ट बोल रहा है। अब वो दूसरे के पार्ट में थोड़ी इंटरफेयर करेगा, तुमको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, अपना पार्ट भूल जाएगा वो तो क्या करना होता है उसको, अपना ही पार्ट याद करना पड़ता है। हर एक अपना अपना पार्ट याद कर रहा है। अगर मैं दूसरे का पार्ट देखने जाऊंगी तो मैं अपना पार्ट तो भूल जाऊंगी, ज़रूर भूल जाऊंगी। तो ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, ये थोड़ी हम बोलेंगे। तो इसीलिए हर एक का पार्ट अपना अपना, तो ये है परिवार में निश्चय, और उसके आधार से हाँ तीसरा निश्चय क्या बताया, तीसरा निश्चय कौन सा बताया जी? नहीं नहीं वो तो चार बातें बताई। चौथा निश्चय किसमें विजय, किसमें विजय, सत्य सत्यमेव विजयते, फिर निश्चय बुद्धि विजयंती, और तीसरा प्रीत बुद्धि विजयंती। वो भी आज बाबा ने बताया, जहाँ बाबा से प्रीत है माना पूरी विजय है। तो बाबा से प्रीत माना एक बाबा दूसरा न कोई, और तो जहाँ बाप है वहाँ बाबा कहते पाप नहीं, या तो बाप है या तो पाप है, और अगर बाबा साथ है तो फिर डर की तो कोई बात ही नहीं है, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। बस यही सदा निश्चय रखते रहो और आगे बढ़ते रहो और सफलता को प्राप्त करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।